दुर्ग जिले की शान भिलाई के गनियारी में निवासरत पंडवानी गायिका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तीजन बाई की डॉक्टर्स द्वारा उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल डॉक्टर को आदेश इलाज के लिए निर्देशित किए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए, न कि जॉब सीकर। उपमुख्यमंत्री अरुण साव अमेरिका दौरे से राजधानी रायपुर लौटे। प्रदेश आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। अरुण साव एशियन डेवलपमेंट बैंक के आमंत्रण पर लोक निर्माण विभाग के डॉक्टर सचिव कमलप्रीत सिंह के साथ 9 सितंबर को अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। इस अध्ययन यात्रा के अनुभव को उन्होंने साझा किया। धमतरी जिले में आगामी 5 और 6 अक्टूबर को जल जगार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके मद्देनज़र कलेक्टर नम्रता गांधी ने महानदी के तट पर गंगरेल में जिला स्तरीय अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक ली। इस कार्यक्रम में देश प्रदेश सहित विदेश से भी अतिथि आएंगे। इसके साथ ही कलेक्टर ने जल जगार महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा की है। इस कार्यक्रम में हमको छत्तीसगढ़ शासन का बहुत सहयोग और सपोर्ट और गाइडेंस मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें सहभागीदारी दिखा रहे हैं और उसको गाइड भी कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल वाटर मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट मिल रहा है, कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट का, PHE डिपार्टमेंट का, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का, खेल विभाग का भी सहयोग मिल रहा है, संस्थाओं में यूनिसेफ का सहयोग मिल रहा है, FES जो इकोलॉजिकल सोसाइटी है उनका योग मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, भिलाई स्टील प्लांट है जो जुड़ रही है इसके साथ, और मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा संस्थाएं, धमतरी के क्लब्स, रोटरी क्लब हो गए, लायन क्लब हो गए, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, धमतरी रनर्स, तो जितने लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे है, स्टेट गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे है, और कम्युनिटी के लोग और कम्युनिटी की संस्थाएं जुड़ रहे हैं, वो यही दिखाता है कि पानी हम सबके लिए कॉमन है और पानी को बचाना हम सबका कर्तव्य है। धमतरी जिले में ऑरा बिटकॉइन नामक कंपनी पर इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फायदा दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। भूपेश चौधरी द्वारा 22 अक्टूबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से 18,27,000 रुपये को इन्वेस्ट करवाकर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कोतवाली थाना क्षेत्र में भूपेश चौधरी नामक प्रार्थी आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनके और उनके कुछ अन्य साथी हैं जिनके साथ निर्मल सारवा ने ऑरा बिटकॉइन नामक एक फॉरेन की ट्रेड कंपनी है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में अधिक इन्वेस्टमेंट दिलाने के नाम पर कि उनके साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें 420 का अपराध पंजीबद्ध करके आज निर्मल सारवा को रिमांड में भेजा गया है। इसमें अन्य भी आरोपी हैं, इनमें विवेचना जारी है। जीरो टॉलरेंस को लेकर सीएम साय ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अगर कहीं पर गलती हो रही है या जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्यपुस्तक की किताबें कबाड़ में मिली थीं। संज्ञान में आने के बाद दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार मतलब कहीं पर गलती हो रही है और जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें कबाड़ में मिली थी, हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे दो अधिकारी को सस्पेंड किए और उसमें जांच बैठाए हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। कोई भी दोषीदार, कोई भी बक्सा नहीं है। सर, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया सर, पूरे प्रदेश में अपराध की घटनाओं को लेकर। अब विपक्ष का ये धर्म है तो अपना काम तो करेंगे।